द कपिल शर्मा शो पर डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री का बड़ा आरोप। विवेक अग्निहोत्री की अपकमिंग फिल्म द कश्मीर फाइल्स को द कपिल शर्मा शो में प्रमोट करने से किया गया मना, और इसके पीछे की वजह ये कि फिल्म में कोई बड़ा स्टार नहीं है। द कश्मीर फाइल्स में कोई बड़ा स्टार नहीं है, इसलिए कपिल शर्मा शो की टीम ने उन्हें शो में बुलाने से किया मना। इस खबर के वायरल होते ही लोग कपिल शर्मा और उनके शो पर गुस्सा जाहिर करते नजर आए। ट्विटर पर द कपिल शर्मा शो ट्रेंडिंग में आ गया, लोग उन्हें काफी ट्रोल कर रहे हैं। विवेक अग्निहोत्री ने कपिल के शो को लेकर क्या लिखा, उससे पहले आपको बता दें कि फिल्म द कश्मीर फाइल्स 11 मार्च को बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है। हाल ही में फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग भी रखी गई, जिसमें लोग फिल्म देखने के बाद तालियां बजा रहे हैं और काफी भावुक नजर आ रहे हैं। हालांकि इस फिल्म को लेकर सबके अपने अपने रिएक्शन है। लोगों का कहना है कि डायरेक्टर को इस फिल्म को द कपिल शर्मा शो में प्रमोट करना चाहिए, लेकिन इसके जवाब में डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने कपिल के शो पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने कपिल की टीम को अप्रोच किया था, लेकिन उन्होंने उन लोगों को बुलाने से मना कर दिया। अनिरुद्ध दुबे नाम के यूजर ने इस फिल्म को कपिल के शो में प्रमोट करने को लेकर विवेक अग्निहोत्री को ट्वीट कर लिखा, विवेक सर, दिस फिल्म नीड्स टू प्रमोट इन कपिल शर्मा शो। कपिल भाई, आपने सबका सहयोग किया है, प्लीज इस फिल्म को भी प्रमोट करें। हम सब मिथुंदा अनुपम खेर को एक साथ देखना चाहते हैं, धन्यवाद। अब इसके जवाब में डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री लिखते हैं, आई डू नॉट गेट टू डिसाइड हु शुड बी इनवाइटेड ऑन कपिल शर्मा शो, इट्स हिज एंड हिज प्रोड्यूसर्स चॉइस होम ही वांट्स टू इनवाइट। एज फार एज बॉलीवुड इज कंसर्न्ड, आई हैड सेड व्हाट वंस मिस्टर बच्चन वाज कोटेड सेइंग अबाउट गांधीज, वो राजा है हम रंग। विवेक कहते हैं, मैं डिसाइड नहीं कर सकता कि कपिल शर्मा के शो पर किसे इन्वाइट किया जाना चाहिए, यह उनके और उनके प्रोड्यूसर्स की इच्छा है कि वे किन्हें इन्वाइट करना चाहते हैं। जहां तक बॉलीवुड की बात है, मैं यही कहूंगा जो एक बार मिस्टर बच्चन ने गांधी परिवार के बारे में कहा था, वो राजा है हम रंग। जवाब में डायरेक्टर ने यह भी कहा कि उन्होंने उन्हें बुलाने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि उनके पास कोई बड़ी स्टार कास्ट नहीं है। दे रिफ्यूज टू कॉल अस ऑन देयर शो बिकॉज वी डोंट हैव बिग कमर्शियल स्टार। एक और ट्वीट में विवेक लिखते हैं, इवन आई एम ए फैन बट इट इज अ फैक्ट दैट दे रिफ्यूज टू कॉल अस ऑन देयर शो बिकॉज देर इज नो बिग स्टार इन बॉलीवुड। नॉन स्टार डायरेक्टर्स, राइटर्स एंड गुड एक्टर्स आर कंसिडर्ड एज नोबडीज। उन्होंने हमें अपने शो में बुलाने से मना कर दिया क्योंकि हमारी फिल्म में कोई बड़ा कमर्शियल स्टार नहीं है, बल्कि मैं तो फैन हूं उनका, लेकिन सच ये है कि उन्होंने हमें शो में बुलाने से इनकार कर दिया क्योंकि इसमें कोई बड़ा स्टार नहीं है। बॉलीवुड में नॉन स्टार डायरेक्टर्स, राइटर्स और अच्छे एक्टर्स को नोबॉडीज माना जाता है। अब इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर द कपिल शर्मा शो ट्रेंडिंग में आ गया, लोग कपिल के इस शो को बायकॉट करने की भी मांग करने लग गए। कुछ यूजर का ये भी कहना था कि वे द कश्मीर फाइल्स की टीम को इसलिए नहीं बुलाना चाहते क्योंकि इससे कश्मीरी हिंदुओं का छिपा हुआ सच सामने आ जाएगा। वही आपको बता दें कि इससे पहले एक बार विवेक अग्निहोत्री ने यूट्यूब पर एक वीडियो शेयर कर बॉलीवुड के गैंग के खिलाफ भी बयान दिए थे। विवेक ने ऑथर, जर्नलिस्ट और विधु विनोद चोपड़ा की वाइफ अनुपमा चोपड़ा पर भी नाराजगी जाहिर की थी और कहा था कि उन्होंने जानबूझकर इस फिल्म को अपने पेज पर प्रमोट नहीं किया, जहां बॉलीवुड की और भी कई फिल्मों को प्रमोट किया जाता रहा है। इसको लेकर विवेक अग्निहोत्री ने ट्वीट भी किया था और अनुपमा चोपड़ा के लिए बॉलीवुड के शूर्पणखा शब्द का इस्तेमाल कर दिया था, और उन्हें चैलेंज करते हुए विवेक ने लिखा कि अगर आप में जरा भी हिम्मत है तो फिल्म द कश्मीर फाइल्स को खुलकर खराब बताइए, प्लीज बैकग्राउंड से डर्टी गेम खेलना बंद कीजिए। खैर, अब देखना है कि कपिल शर्मा या उनके शो की तरफ से इतने बड़े आरोप को लेकर क्या जवाब सामने आता है। फॉर लेटेस्ट बॉलीवुड न्यूज एंड गॉसिप्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल बॉलीवुड लाइफ टाइम्स।